हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप बच्चों आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो बच्चों, ये हमारा लेक्चर नंबर 3 है, क्लास 6 के चैप्टर नंबर 6 इंटीजर्स का। इस लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और उन्हें सीखेंगे। आई होप बच्चों आपने मेरी पहले की वीडियोज देख ली होगी इस चैप्टर की। अगर नहीं देखी तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक होगा, तो आप वहां से पहले की वीडियोज को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स व्हिच नंबर इज टू द राइट ऑफ द अदर ऑन द नंबर लाइन। तो यहाँ पे हमें कुछ नंबर्स दे रखे हैं और हमें ये बताना है कि नंबर लाइन के ऊपर कौन सा नंबर राइट साइड पे आता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक नंबर लाइन की पिक्चर दे रखी है, तो आप यहां से आराम से उसे समझ सकते हो। सबसे पहला पार्ट है 2 और 9। तो आप देखो यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ पे 9 आएगा कहीं यहाँ पे, ठीक है ना। तो अब राइट साइड पे कौन है? 9 राइट साइड पे है, तो हम यहां पे ये लिखेंगे 9 लाइज ऑन द राइट ऑफ 2। ठीक है, 2 के राइट में कौन है? 9। बी पार्ट -3 और -8। तो -3 देखो आप यहां पे है, -8 देखो यहां पे है, तो कौन है राइट पे? -3 राइट पे है, तो -3 लाइज ऑन द राइट ऑफ -8। सी पार्ट देखो, 0 यहां पर है, -1 यहां पर है, कौन है राइट में? 0 राइट में है, 0 लाइज ऑन द राइट ऑफ -1। ठीक है, डी पार्ट देखते हैं, -11 और 10। तो -11 कहाँ आएगा? -8 के बाद, -9, -10, फिर आएगा यहां पे कहीं -11। ठीक है ना, -11 यहां आएगा, और 10 कहाँ आएगा? 8, 9, और फिर आएगा आपका पास 10। तो देखो कौन है राइट में? 10 आपका राइट में है, तो हम यहां पे लिखेंगे 10 lies on the right of -11। क्लियर। ई पार्ट है -6 और 6। तो आप देख सकते हो -6 आ रहा है यहां पर, प्लस का 6 आ रहा है यहां पर, कौन है राइट में? प्लस का 6 राइट में है, हम यहां लिखेंगे 6 lies on the राइट ऑफ -6। ठीक है, लास्ट पार्ट है 1 और -100। तो प्लस का 1 तो यहां पर है और -100 आएगा कहीं बहुत पीछे, ठीक है, तो -100 का यहां आएगा, प्लस का 1 यहां पे है, तो राइट में कौन आएगा? 1 ही आएगा, तो 1 लाइज ऑन द राइट ऑफ -100। क्लियर। अब करते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, राइट ऑल द इंटीजर्स बिटवीन द गिवन पेयर एंड राइट देम इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो यहां पे आपको ध्यान रखना है, इन दोनों नंबर्स के बीच जितने इंटीजर्स हैं उनको लिख लेना है और फिर उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करके लिखना है। तो करते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, ये आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले आएगा -6, फिर आएगा -5, फिर आएगा -4, फिर आएगा -3, फिर आएगा -2, फिर आएगा -1। यहां पे हमें 0, क्योंकि -1 के बाद क्या आना था? 0 आना था, और -6 से पहले क्या आना था? -7 आना था। इन दोनों को हम इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें इन दोनों के बीच में बताना है, और इन दोनों के बीच में ये इंटीजर्स आते हैं -6, -5, -4, -3, -2, -1। अब रही बात इंक्रीजिंग ऑर्डर की, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या करते हैं, सबसे छोटा सबसे पहले लिखा जाएगा और फिर बड़ा करते करते हम लास्ट में कौन लिखेंगे? सबसे बड़ा नंबर। तो इधर देखो सबसे बड़ा नंबर है -1 और सबसे छोटा नंबर है -6। आपको पता है ना, इंट्रोडक्शन में मैंने बताया था
कैसे पता लगाएं कि कौन सा इंटीजर बड़ा है कौन सा छोटा है, ये सब इंट्रोडक्शन में बताया था। अगर नहीं देखा आपने वो तो आप जरूर देखो, लेक्चर नंबर 1 है, आपको नीचे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, ठीक है। नहीं तो ऊपर आई बटन में भी आप चेक कर सकते हो, वहां पर भी आपको मिल जाएगा। अब बी पार्ट देखो, -4 से लेकर 4 इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमें अरेंज करना है। सबसे छोटा कौन सा होगा? -4 के बाद आता है -3, ये सबसे छोटा इंटीजर है, ठीक है। उसके बाद आएगा -2, उसके बाद आएगा -1, उसके बाद आएगा 0, उसके बाद आएगा +1, +2, +3। 4 को और -4 को इंक्लूड नहीं करना। सबसे छोटा आपका -3 है, सबसे बड़ा आपका +3 है, ठीक है। सी पार्ट देखो, -8 और -15, ठीक है। अब इसको भी हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में इंटीजर्स लिखने हैं इनके बीच, तो सबसे छोटा कौन सा होगा? -15 के बाद कौन सा आता है? -14, ठीक है। -14 -15 से बड़ा है, ठीक है। अगर आप -14 को और -15 को कंपेयर करोगे तो बड़ा कौन सा है इसमें? -14, तो -14, फिर -13, फिर -12, फिर -11, फिर -10 और फिर -9। -8 और -15 नहीं डालना, ठीक है। तो ये आपकी इंटीजर्स हैं जो -8 और -15 के बीच में आएंगे और इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। सबसे छोटा -14 है और सबसे बड़ा -9 है इनमें, ठीक है। डी पार्ट देखो, -30 से लेकर -23 तक, तो इसमें कौन कौन से आएंगे? -29, -28, -27, -26, -25, -24, बस, ठीक है। -23 नहीं करना हमें इंक्लूड। तो ये इंटीजर्स हैं जो इसमें आ रहे हैं। -29 सबसे छोटा है और -24 यहाँ पे सबसे बड़ा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 का ए पार्ट है, राइट 4 नेगेटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन -20। तो यहाँ पे आपको क्या करना है? 4 नेगेटिव इंटीजर्स को लेना है जो कि -20 से बड़े हो। अब -20 से बड़े हो, ऐसे कौन से इंटीजर ले सकते हो? आप कोई भी इंटीजर ले सकते हो -20 से -1 के बीच में, ठीक है। जैसे कि मैं ले लेता हूं -19, -18, -17, -16। ये चारों के चारों इंटीजर्स -20 से बड़े हैं। बाकी आप इन चारों के अलावा और कोई भी इंटीजर ले सकते हो, जैसे कि -5, -4, -3, -2, ये भी -20 से बड़े हैं। लेकिन आप -21 या फिर -25 ये नहीं ले सकते, ठीक है, क्योंकि ये -20 से छोटे हैं। और ये भी ध्यान रखना है कि जो आप इंटीजर्स ले रहे हो नेगेटिव हो। नेगेटिव मतलब -20 से -1 के बीच में होने चाहिए। अब -1 से क्या, -1 के बाद तो 0 और फिर पॉजिटिव इंटीजर स्टार्ट हो जाएंगे, तो इनके बीच में आपको कोई भी चार इंटीजर ले लेने हैं, ठीक है। बी पार्ट देखो, राइट 4 नेगेटिव इंटीजर लेस देन -10। अब -10 से छोटे, अब -10 से छोटे आप कितने भी ले सकते हो, ठीक है। -10 से छोटे -11, -12, -13, -14, ये सब क्या है? -10 से छोटे हैं। क्लियर हो रहा है? ये सब -10 से छोटे हैं। आप यहां पे लेकिन -8 या -9 या -7 नहीं ले सकते, क्योंकि ये -10 से बड़े हैं। क्लियर हो गया? अब करते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स राइट ट्रू और फॉल्स, इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स करेक्ट द स्टेटमेंट, ठीक है। तो यहां पे आपको कुछ स्टेटमेंट्स दे रखी है और आपको ये बताना है कि वो ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। और अगर स्टेटमेंट गलत है तो स्टेटमेंट को करेक्ट करना है। सबसे पहला पार्ट है, -8 इज टू द राइट ऑफ -10 ऑन अ नंबर लाइन। क्या कह रहा है ये? जो -8 है आपका वो -10 से राइट साइड पे आता है। अगर आप -10 को बनाओगे यहां पे, तो यहां पे आएगा -9,
यहां पे कहीं आएगा माइनस का 10, तो क्या माइनस 8 माइनस 10 के राइट में है? तो करेक्ट है ये बात, माइनस 8 जो है माइनस 10 के राइट में है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। क्लियर? बी पार्ट देखो, माइनस 100 इज टू द राइट ऑफ माइनस 50 ऑन अ नंबर लाइन। ठीक है, जब आप एक नंबर लाइन क्रिएट करोगे तो मान लो ये जीरो है, ये आपका हो जाएगा माइनस का 50, क्योंकि जीरो से फिर 10, 20, 30, 40, 50, ठीक है, एंड देन 60, 70, 80, 90, 100, तो यहां पे आएगा माइनस का 100। क्लियर? अब क्या पूछ रहा है ये, माइनस 100 क्या माइनस 50 के राइट में है? तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। ठीक है, अब फॉल्स क्यों है? क्योंकि आप देख सकते हो माइनस 50 माइनस 100 के राइट में आ रहा है, और आपको ये भी बात पता है कि माइनस 50 बड़ा नंबर है और माइनस 100 छोटा नंबर है। ठीक है, और जो बड़े नंबर्स होते हैं वो हमेशा नंबर लाइन पे राइट साइड पे प्लेस होते हैं। ठीक है, सब इंट्रोडक्शन में मैंने बता रखा है, अगर नहीं देखा तो उसे देख लेना। तो ये बड़ा नंबर है, आपको नंबर लाइन बनाने की जरूरत भी नहीं है, आपको सोचने की भी जरूरत नहीं है, जो बड़ा नंबर होता है वो हमेशा राइट साइड पे होता है। ठीक है, नंबर लाइन पे, जैसे कि अगर मैं 2 और 7 को कंपेयर करूं तो 7 इसमें बड़ा है और 7 राइट पे आ रहा है। ठीक है, तो जो बड़ा नंबर होता है वो हमेशा राइट में आता है। यहाँ पे माइनस 50 बड़ा है और वो माइनस 100 के राइट में आएगा, तो इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स है। स्टेटमेंट को करेक्ट करके लिखेंगे हम यहाँ पे, माइनस का 50 इज टू द राइट ऑफ माइनस का 100 ऑन अ नंबर लाइन। ठीक है, जो माइनस का 50 है वो एक्चुअली माइनस के 100 के राइट में आता है। ठीक है, सी पार्ट है, स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर इज -1, सबसे छोटा नेगेटिव इंटीजर क्या -1 है? तो ये भी स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, आपको ये बात पता है, इंट्रोडक्शन में मैंने ये बात बताई थी कि नेगेटिव नंबर जितना छोटा होता है उतना बड़ा होता है, तो 1 सबसे छोटा नंबर है। ठीक है, अगर मैं प्लस की बात करूं, प्लस का 1 और प्लस का 100, तो अब इन दोनों में कौन बड़ा है? प्लस का 100 बड़ा है और प्लस का 1 छोटा है। लेकिन अगर मैं -1 और -100 को कंपेयर करूं तो यहां कौन बड़ा है? तो यहां -1 बड़ा है। ठीक है ना, नेगेटिव में नंबर जितना छोटा होता है उतना बड़ा होता है, तो यहां पे जो -1 है एक्चुअली सबसे बड़ा नेगेटिव नंबर माइनस का 1 है। ठीक है, तो हम तो इसलिए स्टेटमेंट गलत है, और यहां पे लिखेंगे लार्जेस्ट नेगेटिव नंबर आपका माइनस का 1 है। ठीक है, डी पार्ट देखो, -26 इज ग्रेटर देन -25, क्या माइनस का 26 -25 से बड़ा है? तो अभी मैंने बताया था इसका आंसर फॉल्स है। ठीक है, नेगेटिव में नंबर अगर छोटा है तो वो बड़ा है, यहाँ पे माइनस का 25 और माइनस का 26 को कंपेयर कर रहे हैं। अगर मैं प्लस का 25 और प्लस का 26 लेता तो यहाँ पे तो प्लस का 26 बड़ा होता। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जब हम नेगेटिव नंबर्स की बात करते हैं तो उसमें जो छोटा होता है वो बड़ा होता है, तो यहां पर नेगेटिव में माइनस का 25 बड़ा है माइनस के 26 के कंपेयर में, तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है, और इसको हम ठीक करके लिखेंगे, माइनस का 25 इज ग्रेटर देन माइनस का 26। क्लियर? अब करते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, ड्रॉ अ नंबर लाइन एंड आंसर द फॉलोइंग। ठीक है, तो आपको एक नंबर लाइन बनानी है और फिर इन क्वेश्चंस का आंसर देना है। सबसे पहला पार्ट है, विच नंबर विल बी रीच इफ वी मूव 4 नंबर्स टू द राइट ऑफ -2। क्या कह रहा है कि अगर आप -2 पर हो और अगर आप 4 नंबर्स मूव करते हो टू द राइट डायरेक्शन। ठीक है, आप -2 के ऊपर हो और 4 नंबर्स मूव करते हो राइट डायरेक्शन के अंदर, तो आप कहां पर पहुंचोगे? ठीक है, तो मान लो ये आपकी एक लाइन है, इसमें मैं 0 बना देता हूं, -1 -2 -3,
ठीक है। अभी कहां पर हो आप? माइनस टू के ऊपर हो, ठीक है। प्लस वन, प्लस टू, प्लस थ्री, प्लस फोर, प्लस फाइव। आप क्या कह रहे हैं? आपको मूव करना है फोर नंबर्स राइट डायरेक्शन में। राइट कहां होता है? यहां, ठीक है। वन, टू, थ्री, फोर। फोर नंबर्स राइट डायरेक्शन में मूव करने के बाद आप कहां पहुंचे? प्लस के टू पे पहुंचे। तो यही हमें लिखना है, वी विल रीच एट प्लस का टू, ठीक है, या फिर टू, ये लिख सकते हो आप, ठीक है। बी पार्ट, विच नंबर विल वी रीच इफ वी मूव फाइव नंबर्स टू द लेफ्ट ऑफ वन। अभी हम वन पर हैं और अगर हम लेफ्ट डायरेक्शन में फाइव नंबर्स मूव करें तो हम कहां पहुंचेंगे, ठीक है। तो ये हमारा जीरो है, ये हमारा प्लस वन, ये हमारा प्लस टू। प्लस वन पर अभी हम हैं, ठीक है। माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस फोर, माइनस फाइव। आपको कहाँ जाना है? लेफ्ट डायरेक्शन में। लेफ्ट डायरेक्शन होती है यहां, ठीक है। आपको फाइव नंबर्स मूव करना है, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव। फाइव नंबर्स मूव करोगे तो आप कहां पहुंचोगे? माइनस फोर पे। तो आप यहां पे लिख दो, वी विल रीच एट माइनस फोर। ओके, सी पार्ट देखते हैं। इफ वी आर एट माइनस एट ऑन अ नंबर लाइन, इन विच डायरेक्शन शुड वी मूव टू रीच माइनस थर्टीन। अगर हम माइनस एट पर हैं नंबर लाइन के ऊपर और हमें माइनस थर्टीन तक पहुंचना है, कहां पर पहुंचना है? माइनस थर्टीन पर। तो हमें किस डायरेक्शन की तरफ मूव करना पड़ेगा, ठीक है। तो मान लो यहां पे मेरा माइनस का एट है, ठीक है, यहां पे मेरा माइनस का सेवन, माइनस का सिक्स, माइनस फाइव, ऐसे सो ऑन चलता रहेगा, ठीक है। यहां पे माइनस का नाइन होगा, यहां माइनस का टेन, फिर माइनस इलेवन, माइनस ट्वेल्व, और देन माइनस का थर्टीन। अभी हम माइनस एट पर हैं, हमें जाना है माइनस थर्टीन पर। तो हमें कौन सी डायरेक्शन में मूव करना है? लेफ्ट डायरेक्शन में, ठीक है। तो यही हमारा आंसर है, वी शुड मूव टूवर्ड्स लेफ्ट डायरेक्शन, ठीक है। अब करते हैं नेक्स्ट पार्ट, डी पार्ट। देखो, इफ वी आर एट माइनस सिक्स, अगर हम माइनस सिक्स पर हैं नंबर लाइन पर, इन विच डायरेक्शन शुड वी मूव टू रीच माइनस वन। अगर हम माइनस सिक्स पर हैं और हमें माइनस वन पर जाना है तो हमें किस डायरेक्शन में मूव करना पड़ेगा, ठीक है। तो मान लो ये मेरा जीरो है, ये मेरा प्लस का वन है, ये मेरा माइनस का वन, ये मेरा माइनस का टू, ये मेरा माइनस का थ्री, ये माइनस का फोर, ये माइनस का फाइव, एंड ये मेरा माइनस का सिक्स, ठीक है। अभी हम माइनस के सिक्स पर हैं, हमें जाना है माइनस के वन पे। हमें कौन सी डायरेक्शन में मूव करना पड़ेगा? राइट डायरेक्शन में। लास्ट में लिखेंगे हम, वी शुड मूव टूवर्ड्स राइट डायरेक्शन। क्लियर हो रहा है? तो बस इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो प्लीज नीचे कमेंट करिए, मैं आपके कमेंट का आंसर जल्द से जल्द देने की कोशिश करूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और साथ ही में नोटिफिकेशन बेल को भी दबा देना ताकि आने वाली वीडियोज की अपडेट आपको मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, कीप ग्रोइंग।